Hey everyone, welcome back to the new video. My name is Gaurav and in this video we are going to continue our stock market from basics to advanced series. Topic आप सभी ने देख ही लिया होगा, three candlesticks pattern. जैसे कि मैंने बताया था technical analysis में तीन चीजें होती है, price action, candlestick patterns and chart patterns. तो हमने price action वाला part पूरा किया था, आज candlesticks वाला part पूरा हो जाएगा, इसके बाद chart pattern वाला part जो है पूरा करूंगा. फिर उसके बाद क्या है कि इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस पर मैं लाइव ट्रेडिंग दिखाऊंगा. वैसे तो मैं लाइव बनाता रहता हूं काफी, पर इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कैसे सबको कंबाइन करता हूं. तो सारे लेक्चर ध्यान से पढ़े, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ध्यान से पढ़े ताकि आपको समझ में आए कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं. ठीक है, ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं आप किसी भी प्रकार के मार्केट में लगा सकते हैं, बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, कहीं भी, क्योंकि कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन सब में सेम ही काम करता है. ठीक है, तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इन सब चीजों को. बाकी नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो वीडियो को. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. ओके, तो जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है कि थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ओके, तो हम इस पे बात करेंगे. सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके देख जरूर लेना. ओके, लेक्चर नंबर 14 होगा ये वाला. तो हमारे पास जो है पांच टाइप के थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, पांच टाइप के हमारे पैटर्न्स होते हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो एक एक करके मैं आपको सारे समझाता हूँ कि कैसे कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, अगर आपको मेरी ट्रेडिंग कॉपी करनी है, मेरे सारे ट्रेड्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, उसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ओके, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं कौन से ग्रुप में ऐड करता हूँ. ठीक है, तो मेरे जो है दो ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर टू. ग्रुप नंबर वन फ्री है, इसमें मैं आपको फ्री में कॉल्स देता हूँ कि कहाँ पे आपको बाय, कहाँ पे आपको सेल करना है. ठीक है, दिन में दो बार देता हूँ, एक आपको देता हूँ मैं दोपहर 12 बजे. ओके, दूसरा मैं आपको देता हूँ एक रात को 10 बजे. मैं आपको इसमें कॉल देता हूँ आपको कहाँ पे बाय और सेल करना है. ठीक है, ये है फ्री ग्रुप, इसमें मैं आपको सिग्नल देता हूँ. दूसरा जो मेरा है, ये ग्रुप हमारा जो है ये पेड ग्रुप है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपके साथ लाइव बात करता हूँ कॉल पे. ठीक है, इसमें जो जो बंदे एड है वो मेरे साथ कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कॉल पे ही हम लाइव ट्रेड लगाते हैं ताकि टाइमिंग्स का इश्यू ना रहे. ओके, तो ये पेड ग्रुप है, हम लाइव कॉल पे बात करते हैं. इसमें मेरी सीरीज चलती है 5K to 50K, यानी कि हम 5,000 के 50,000 बनाते हैं. जब भी बने 1 महीना 1.5 महीना, मैक्स टू मैक्स 2 महीना लगता है, हम 5,000 के 50,000 बना देते हैं. ये मेरी सीरीज चलती है, इसकी फीस है हमारी 5,000. ओके, 5,000 INR हमारी फीस है और ये एडवांस में लेता हूं मैं. तो ये हमारा फ्री ग्रुप है, ये हमारा पेड ग्रुप है. इतना समझ में आ गया होगा सबको. अब आगे बढ़ते हैं. तो हम बात कर रहे थे थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में. सबसे पहला पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार. तो मॉर्निंग स्टार आपको नाम से पता चल रहा होगा, मॉर्निंग यानी कि सवेरा, सवेरे का मतलब है पैसा, पैसा आने वाला है. तो जैसा नाम हमें बता रहा है मॉर्निंग स्टार क्या करेगा, इसका मतलब है जैसे कि ये हमारा मार्केट है, मार्केट डाउन 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 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे मॉर्निंग स्टार बनेगा, उसके बाद मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए. ओके, तो मॉर्निंग स्टार के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो वहां पे रेड कैंडल बन रही होगी, तो रेड कैंडल बनेगी, एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी है. ओके, उसके बाद मॉर्निंग स्टार का मतलब यह है कि यहाँ नीचे पे एक स्टार बनेगा. ठीक है, अब ये स्टार यहाँ पे ग्रीन कलर का हो सकता है. ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बता रखा है पिछले लेक्चर्स पर, डोजी क्या होते हैं, ड्रैगन फ्लाई क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार बनेगा. अब वो स्टार क्या हो सकता है, वो हैमर जैसा भी हो सकता है ऐसा. ठीक है, वो आपका इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. ठीक है, और फिर उसके बाद बनेगी आपकी यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये बनेगी ग्रीन कैंडल. तो ये हो गया आपके थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स. ये आपको तीन तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इसमें तीन कैंडल्स आपको दिख रही है. ठीक है, लास्ट क्या होगा, डाउन ट्रेंड के लास्ट में जो है ये रेड कैंडल होगी, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बनेगा या इन्वर्टेड हैमर बनेगा. ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी. तो जो आपके तीन पैटर्न है ना, ये तीन कैंडल सिक्स के, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं. इसका मतलब है कि सवेरा आने वाला है, मार्केट अपसाइड जाने वाला है. ठीक है, इसको पहचानना कैसे है, पहले तो दो कैंडल जो है बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी. ठीक है, जो यहाँ पे रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, पहली चीज. दूसरी चीज, जो ये हमारा स्टार बना रहा है, इन इसका जो है गैप होगा. अगर हम इनकी बॉडी का यहाँ से इसको एक लाइन मारे तो एक गैप होगा इसके बीच में. ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है इससे गैप में उठ रही होगी, तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी जो है कंडीशन थी मॉर्निंग स्टार की. अब हम बात करते हैं इवनिंग स्टार की. इवनिंग स्टार इसका उल्टा होता है, जैसे मॉर्निंग स्टार होता है मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनेगा, मार्केट डाउन हो जाएगा. ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जब मॉर्निंग स्टार हमेशा तब आता है जब बहुत देर से डाउन ट्रेंड चल रहा था, यानी कि एक माइनर ट्रेंड में डाउन ट्रेंड आया है, आपने देख लिया मॉर्निंग स्टार, वो फेक हो जाएगा. काफी टाइम से जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब जाके मॉर्निंग स्टार आया. ठीक है, इवनिंग स्टार भी सेम है, काफी देर से आपका अप ट्रेंड चल रहा था, अब आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, अब क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे क्या बनेगी,
ग्रीन कैंडल, ओके। ग्रीन कैंडल के बाद जो है बात स्टार की है, तो यहाँ पे स्टार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से इन्वर्टेड हैमर या हैमर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका डाउन ट्रेड स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें बनेगी वहां पे एक रेड कैंडल, ऐसे करके एक रेड कैंडल आपकी बन जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जैसे मैंने कहा, इसके नियम भी एकदम सेम होने वाले हैं। ये तीन कैंडल्स है, ये तीन कैंडलों का एक पैटर्न बनता है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कैंडल होगी, ग्रीन हो गई, रेड हो गई, ये बिग बिग कैंडल्स होंगी, और इनके बीच में मैं लाइन खींचू तो ये स्टार और इनके बीच में जो है गैप होगा, ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न दिखता है कहीं अप ट्रेंड होने के बाद, तो ये बहुत अच्छा साइन है इवनिंग स्टार का, मार्केट डाउन डायरेक्शन में चले जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान था हमारा थ्री कैंडल्स सिक्स पैटर्न्स, पर इनको आइडेंटिफाई करना उतना ही टफ हो जाता है रियल मार्केट सिचुएशंस में। कभी कुछ नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। अब बात करते हैं डोजी स्टार की। डोजी स्टार जो है वो दोनों के लिए सेम होता है। डोजी स्टार आपका मॉर्निंग स्टार में भी बन सकता है, इवनिंग स्टार में भी बन सकता है। बस फर्क ये है कि जो यहाँ पे जो ये स्टार बना हुआ है ना, ये स्टार बनने के बजाय यहाँ पे डोजी होगा, मतलब उसका कोई कलर ही नहीं होगा, ऐसा प्लस होगा, ठीक है। अगर ये इवनिंग स्टार में बनता है ऊपर, तो ऐसा डोजी बनेगा बिना कलर का, डाउन ट्रेंड चले जाएगा, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो डोजी बनेगा, ट्रेंड अपवर्ड चले जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम डोजी स्टार कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका कलर मैटर नहीं करता बिल्कुल भी, जो इन दो का तो मैटर करता है, ग्रीन और रेड का, पर लेकिन जो आपका ये वाला जो यहाँ पे स्टार बनेगा, इसका कलर मैटर नहीं करता। ये ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, ठीक है। हो सकता है ऐसे रेड कलर की यहाँ पे कैंडल बने, ठीक है। हो सकता है ऐसी रेड कलर की नीचे हैमर वाली, इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल बने, ठीक है। हो सकता है ग्रीन कलर की हैमर ऐसे बने यहाँ पे, हो सकता है ग्रीन कलर की हैमर ऐसे बने यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ग्रीन कलर का पतला सा डोजी बने, हो सकता है आपका रेड कलर का पतला सा डोजी बने, हो सकता है आपका कलरलेस डोजी बने, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता स्टार का, बस ये कि उसकी साइकोलॉजी मैटर करती है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शूटिंग स्टार, व्हाइट सोल्जर एंड ब्लैक क्रोज में, ठीक है। अब शूटिंग स्टार क्या होता है, जो शूटिंग स्टार है वो हमारा इवनिंग स्टार में आता है, ठीक है। इवनिंग स्टार में कैसे आता है बताता हूं, शूटिंग स्टार इवनिंग स्टार में डिफरेंस इतना है। जो शूटिंग स्टार है मैं बना देता हूं, शूटिंग स्टार में जो यहाँ पे जो डोजी जो कैंडल बन रहा है वो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, बहुत बड़ा कैंडल बनता है, और बहुत लंबा मतलब उसकी विक होती है। तो इतनी लंबी विक आ गई और यहाँ पे ये जो है आपका इन्वर्टेड हैमर बन गया, क्योंकि मैंने स्टार बोला है और शूटिंग बोला है। शूटिंग स्टार होता है ना, जब वो ऐसे शूट कर रहा होता है तो उसकी कितनी दूर दूर तक रोशनी जाती है, तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि इतनी ऊपर से विक लेके आ रहा है और यहाँ पे जाके इसकी बॉडी छोटी सी, तो शूट कर रहा है यहां से मार्केट डाउन जाएगा, तो इसलिए इसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इस पोर्शन में जो है ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी स्टार, शूटिंग स्टार कवर हो गए हैं। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है। मैं इसी तरीके से सिंपली समझाता हूँ ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। और जगह क्या होता है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में अलग अलग क्लासेस होती है, ऐसी जरूरत नहीं है इतना ही होता है, इतना ही पहचानना होता है, इसी पे ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। वो मैं लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों को दिखा दूंगा कि केवल इतना सा देख के ट्रेड कैसे लेते हैं। शूटिंग स्टार का ये हो गया। बढ़ते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स में। देखो थ्री व्हाइट सोल्जर्स क्या होता है, ये है हमारा मार्केट है, और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा था ऐसे 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 ऐसे। अब थ्री व्हाइट सोल्जर्स, व्हाइट कलर जो होता है वो जो होता है शांति का प्रतीक होता है, थ्री व्हाइट सोल्जर्स, ठीक है। तो शांति का प्रतीक मतलब खुशहाली, खुशहाली का मतलब मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो थ्री व्हाइट सोल्जर्स में क्या होगा, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लगातार बड़ी बड़ी तीन कैंडल्स बनेगी, वो भी ग्रीन कलर की, एक दो तीन ऐसे, ये सोल्जर्स की तरह कतारों में लगी भी होती है, लगातार तीन कैंडल बनेगी, और बेस्ट तब रहेगा जब इनके बीच में गैप हो, ठीक है। यहाँ पे गैप है, ये दूसरी बन गई ऐसे गैप में, यहाँ पे गैप है, ये तीसरी बन गई, थ्री व्हाइट सोल्जर्स एक के बाद एक। अगर ऐसा नहीं पे पैटर्न होता है तो समझ जाओ मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट अब रिवर्स होना ही है, बहुत तगड़े पैटर्न होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ऐसा जो है हमारा थ्री व्हाइट सोल्जर्स का होता है, और ध्यान रहे ये डाउन ट्रेंड के लास्ट में आएगा, जब डाउन ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा हो, ठीक है। फिर आता है आपका थ्री ब्लैक क्रोज, ये इसका सीधा उल्टा होता है, ठीक है। मार्केट चल रहा था आपका अप डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे चल रहा था मार्केट, अब गया, हुआ क्या, बहुत टाइम सब चल रहा था, डाउन आना है, तो बड़ी बड़ी तीन जो है रेड कैंडल्स बन जाएगी, एक दो तीन, लगातार एक के बाद एक बनेंगी। और अगर इनके बीच में गैप हो, गैप ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर इनके बीच में गैप है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छा सिग्नल है, आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो आसानी से, ठीक है। तो देखो कितना इजीली मैंने थ्री कैंडल सिक्स आपको बता दिया, इतना ही होता है। लोग आपको जो है एक एक क्लास एक एक घंटा खींचते हैं कि आपको लगे कि यार क्या ही सिखा दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वो रियलिटी में है, केवल इतना ही होता है, इतने भी प्रैक्टिस करनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस इतना सा है, बस इतने से वो हमें इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, ताकि एक्यूरेसी बढ़े,
आप पढ़ते इतना सारा हो, प्रैक्टिस इतनी करते हो, तो फायदा क्या होगा। थोड़ा सा एनालिसिस है, जितना मैंने बताया इतनी इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न है, इतने में ट्रेड होती है हमेशा, बड़े ट्रेडर्स कोई भी हो इतने में ट्रेड लेते हैं, इतने में ही खत्म। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी स्टार, शूटिंग स्टार, थ्री व्हाइट शोल्डर, थ्री ब्लैक क्रोस, इतना ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का हमारा पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो प्राइस सेक्शन हमने खत्म किया, थ्री कैंडलस्टिक हमने खत्म किया, ठीक है, और इसके बाद आएगा चार्ट पैटर्न, उसको भी कोशिश करूंगा एक ही बारी में खत्म कर दूं, ठीक है। तो ये था, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देखो, ताकि आपको आसानी हो सब कुछ समझने में, और बहुत इजीली मैंने सब कुछ आपको समझाया, ठीक है। और अगर आपको मेरी ट्रेडिंग कॉपी करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके स्टेप्स फॉलो करें, मेरे साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, और लाइव ट्रेड करना है मेरे साथ कॉल पे जो मैं बोलूंगा वो करना है, तो वो थोड़ा सा पेड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट करें, आंसर दूंगा, और कोई टॉपिक चाहिए तो कवर करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।